जैसे ड्रग एडिक्ट को ड्रग से छुड़ाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं ना, वैसे ये भी ट्रेनिंग जरूरी है भाई। अपने में आत्मविश्वास होगा तो अपने हाथ में जो हथियार है उसके सामर्थ्य को हम बढ़ा सकते हैं और हमारा हथियार उस सामर्थ्य को पैदा कर सकता है दोस्तों। लेकिन देव से असमर्थ अवसर बहुत सीमित थे। परिणाम यह हुआ कि कभी दुनिया की अग्रणी सैन्य ताकत रही भारतीय सेना को राइफल जैसे सामान्य अस्त्र तक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा और फिर आदत हो गई। एक बार एक मोबाइल फोन की आदत हो जाती तो फिर कोई कितना ही कहे कि हिंदुस्तान का बहुत अच्छा है, लेकिन मन करता है यार छोड़ो वही ठीक रहेगा। जैसे ड्रग एडिक्ट को ड्रग से छुड़ाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं ना, वैसे ये भी ट्रेनिंग जरूरी है भाई। अपने में आत्मविश्वास होगा तो अपने हाथ में जो हथियार है उसके सामर्थ्य को हम बढ़ा सकते हैं और हमारा हथियार उस सामर्थ्य को पैदा कर सकता है। कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और यह भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार है वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा, लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार जो हथियार उसके हाथ में है वैसा ही हथियार लेके लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा।